हाय फ्रेंड्स, मैं आरती, बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल बाजार जैसी क्रिस्पी आलू से भरे हुए पेटिस, जो झटपट से आप बहुत ज्यादा टेस्टी नाश्ता घर पे ही बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो पेटिस बनाने के लिए यहाँ 1 कप मैदा लिए हैं, कटा हुआ 2 प्याज, 2 आलू को छील कर रखे हैं, टोमेटो सॉस, 2 चम्मच तेल, नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, यहाँ हरा धनिया लिए हैं, इसका चटनी बनाएंगे, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च, 1 टमाटर। अब हम 1 कप मैदा को प्लेट में डालेंगे, नमक डाल दें, 1 चम्मच तेल डालें। अब हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इस तरह हाथों से मुट्ठी बनने लगे तब हम पानी डालकर आटा लगाएंगे। ऐसा करने से पेटिस क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ आटा जैसे ही हम रोटी का आटा बनाते हैं ना, इस तरह आटा हमें लगाना है। यहाँ आटा लगा लिए हैं। अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर डो के ऊपर दोनों साइड से लगा लेंगे और इसे ढककर रखेंगे 20 मिनट के लिए। तब तक हम इधर आलू का स्टफिंग बनाएंगे। अब आलू को कद्दूकस कर लेंगे। पेटिस में आप कच्चे आलू को घिसकर बनाने से इसका स्वाद बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ मैंने दोनों आलू को घिस लिए हैं। अब देखिए, घिसने के बाद इसमें बहुत सारा आलू से पानी निकल आए हैं। उसे हम हाथों से निचोड़ लेंगे, हमें ड्राई ही आलू चाहिए। इसे निचोड़ कर सारा पानी निकाल लेंगे, जिससे हमारा स्टफिंग बिल्कुल सूखा रहे। इतना पानी निकल आया है, आप देख सकते हैं। अब चटनी बनाने के लिए यहाँ मिक्सी जार में डाल दे हरा धनिया, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, नमक डाल दे। यहाँ हरा धनिया की चटनी तैयार है। यहाँ पैन गरम है, 1 चम्मच तेल डालेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए प्याज डाल दें, चला लें, साथ ही जाएगा घिसा हुआ आलू। अब नमक डालें, लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। प्याज आलू के अंदर तक नमक चला जाए, बस इसे हमें हल्का भुनना है। प्याज आलू को हमें क्रांची ही रखना है। आलू प्याज को सिर्फ 1 मिनट ही भुने ऐसा। अब निकाल कर रखेंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। यहाँ 20 मिनट बाद डो अच्छे से सॉफ्ट हुआ है, इसका लोई बना लेंगे। यहाँ 1 कप आटे से मेरे 4 लोई बने हैं। अब सूखा आटा लगाकर इसका रोल बनाएंगे। रोल हमें बड़ी बड़ी बनानी है, पतली पतली सी। अब रोटी के रोल के ऊपर हम 1 चम्मच टोमेटो सॉस लगाएंगे। ऊपर से क्रंच किया हुआ आलू प्याज डालें, चारों ओर फैला दें। जब आप इसे खाएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा इसका टेस्ट, और आप बार बार बनाएंगे। अब इसके ऊपर रोल डाल दें, हल्के हाथों से दबाएं। अब दूसरी लेयर हम हरा धनिया की चटनी से करेंगे। इसमें आपको टोमेटो सॉस का भी स्वाद आएगी और हरा धनिया का टेस्टी चटनी का भी, दोनों मिलाकर आएगी। इसी प्रोसेस से हम इसके ऊपर से आलू प्याज का स्टफिंग डालेंगे। ऊपर से रोल डालें, दबाएं हल्के हाथों से। अब रोल के ऊपर सॉस डालें,
चारों ओर लगाएं, स्टफिंग फैला दें चारों ओर। अब हम हरा धनिया की चटनी डालेंगे स्टफिंग के ऊपर। अब रोल डाल दें। अब चारों ओर से दबाकर साइड को हम चिपकाकर बंद करेंगे। यहाँ मैंने इसे स्टीम करने के लिए एक जाली वाली बर्तन लिए हैं। इसमें थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस कर ले, जिससे पेटीज अच्छे से निकल जाए। रख दे इसमें। यहाँ पैन में थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर से रख देंगे और ढक्कन लगाकर इसे 10 मिनट स्टीम कर लेंगे। 10 मिनट बाद ढक्कन हटाए निकाल लेंगे। इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए इसे निकाल लेंगे। इसको पीसेस में कट करेंगे। यहाँ मैं एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए शेप में काट कर लिए हैं। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, अच्छी ही लगेगी। अब इसे फ्राई करने से पहले हम थोड़ा सा मैदा से बैटर बना लेंगे। थोड़ा सा नमक डालें, पानी डालकर एक पतला घोल बनाएं। इसे कोटिंग करने के लिए, जिससे इसका अंदर का स्टफिंग बाहर ना निकले, इसे डुबो दें। चम्मच से इसके ऊपर डालें। यहाँ तेल पहले से ही गर्म है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तभी आप पेटिस को डालें। फ्लेम को मीडियम कर ले। यहाँ मैं 4 पेटिस डाल दिए हैं। अब चम्मच से पलट दे, दोनों साइड से अच्छे से फ्राई होने दे। यहाँ दोनों साइड से फ्राई हो गई है। ऐसे ही हम सारे पेटिस को फ्राई करेंगे। निकाल ले प्लेट में। इसे आप सॉस धनिया की चटनी के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे शाम के नाश्ते में चाय के साथ भी खा सकते हैं। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ मैं तोड़कर दिखाती हूँ। ये ऊपर से कुरकुरे तो है ही, पर अंदर से भरी हुई स्टफिंग से देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो हम फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।